नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आईटेल A49 के अंदर में एक ऐसे हिडन फीचर के बारे में बताऊं फ्रेंड्स, जो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रेस मान के चलिए आपका ब्लूटूथ का प्रॉब्लम हो या फिर डाटा का प्रॉब्लम हो या फिर फ्रेंड्स आपका हॉटस्पॉट का प्रॉब्लम हो, कुछ का भी प्रॉब्लम हो या फिर आपका एप्लीकेशन सेटिंग का कुछ प्रॉब्लम हो या फिर हार्ड रीसेट मारना हो, तो इस वीडियो में सारी की सारी मैं आपको जानकारी बताऊंगा फ्रेंड्स, जो कि इस वीडियो को आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट तक ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, तो आपको इसमें बहुत सारे ऐसे जानकारी मिलेंगे फ्रेंड्स कि अगर आप आईटेल फोन यूज करते हैं इसमें से बहुत ऐसे सेटिंग है जो कि आपको पता नहीं होगा फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स आप लास्ट तक ध्यान से देखें फ्रेंड्स। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह इस सेटिंग को आप यूज कर सकते हैं, जो कि मैं आईटेल A49 के अंदर में ये सेटिंग को यूज करने वाला हूं, जो कि फ्रेंड्स ये वीडियो बिल्कुल ही छोटा वाला है, इस वीडियो को थोड़ा सा भी आप स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे-ऐसे जानकारी मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, जो कि आपको कुछ ना कुछ ऐसे जरूर जानकारी है जो कि आपको बिल्कुल पता नहीं होगा फ्रेंड्स, इसमें से बहुत सारे ऐसे भी जानकारी आपको पता हो सकता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको कर दिखाता हूं इन जरूरी सेटिंग को फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप अपने फोन के सेटिंग में आ जाए, तो देखिए मैं अपने फोन के सेटिंग में आ जाता हूं। फोन के सेटिंग में आने के बाद फ्रेंड्स यहां पे सबसे नीचे आप आ जाए, सबसे नीचे आने के बाद यहां पे देखें सबसे नीचे में सिस्टम है, तो सिस्टम के ऊपर आप क्लिक कर दें। सिस्टम के ऊपर आप क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे देखें रीसेट ऑप्शन, रीसेट ऑप्शन के ऊपर आपको जाना होगा फ्रेंड्स। यहां पे देखें मैं रीसेट ऑप्शन के ऊपर आ जाता हूं। रीसेट ऑप्शन पे आने के बाद फ्रेंड्स यहां पे देखें रीसेट वाईफाई मोबाइल डाटा होता है फ्रेंड्स, उसके बाद ब्लूटूथ, यानी कि आपको कभी डाटा सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया है फ्रेंड्स, या फिर देखिए यहाँ पे डाटा प्रॉब्लम सेटिंग हो गया फ्रेंड्स, या फिर ब्लूटूथ का प्रॉब्लम हो गया कुछ सेटिंग फ्रेंड्स, या आपका वाईफाई का प्रॉब्लम कुछ हो गया है, तो आपको उसको किस तरह आप रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रीसेट करने का ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए वाईफाई मोबाइल डाटा और ब्लूटूथ, यानी तीनों सेटिंग एक ही बार रीसेट हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके ऊपर मैं क्लिक किया, उसके बाद देखिए मेरा पैटर्न खोजा, तो यहाँ पे मैं पैटर्न पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे देखिए रीसेट ये मेरा है जैसे कि ब्लूटूथ का, वाईफाई का और मोबाइल डाटा का, ये सेटिंग मेरा ऑटोमेटिक है जो कि रीसेट हो गया। ये हो गया फ्रेंड्स, यानी कि आपको तीन समस्या का एक ही साथ समस्या का सोल्व हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बैक जाए, यहाँ पे देखें रीसेट ऐप परफॉर्मेंस है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यानी कि आपके फोन में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसका आप मान के चलिए आपने उसका सेटिंग इधर उधर आप कर दें, तो आपको उस सेटिंग के बारे में पता नहीं है, आपको कुछ पता नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे देखें इसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे रीसेट ऐप सेटिंग है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये भी आपका ऐप में जितने भी मतलब सेटिंग आप इधर उधर किए हैं वो भी यहाँ पे रीसेट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो सबसे लास्ट में फ्रेंड्स फैक्ट्री रीसेट, इसको आप सोच समझ कर कीजिएगा, अगर आपको फोन में बहुत ज़्यादा आपका फोन लैग कर रहा है, आपका फोन है जो कि आईटेल है, जो कि आपका आईटेल का फोन है जो कि बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, तो आप फैक्ट्री रीसेट भी मार सकते हैं, लेकिन इस बात को आप ध्यान दें यहाँ पे आपके फोन में जितने भी डाटा होंगे फ्रेंड्स वो सारा का सारा डाटा आपका खत्म हो जाएगा, इसके लिए पहले आप बैकअप ले लें या फिर कहीं आप दूसरे फोन में आप इसका जितना भी डाटा है आप उसको कॉपी कर लें, तभी आप फैक्ट्री डाटा रीसेट आप मार सकते हैं फिर, नहीं तो आप इसको ऐसे ही मार देंगे फिर तो आपके फोन में बिल्कुल ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा, तो इस बात को आप ध्यान दें, फैक्ट्री डाटा रीसेट मारना है तो आप इस बात को ध्यान दें, जितना भी आपको डाटा हो तो कहीं लैपटॉप में कर ले या कोई मेमोरी में कर ले, तभी इसको फैक्ट्री डाटा रीसेट आप मार सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे फैक्ट्री डाटा रीसेट तो नहीं मारूंगा फ्रेंड्स, अगर आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सारा का सारा यहाँ पे जो होगा जो सारा का सारा यहाँ पे मेरा खत्म हो जाए, लेकिन मैं इसको यहाँ पे फैक्ट्री डाटा रीसेट नहीं मारूंगा फ्रेंड्स, आपको अगर ऐसा जरूरत है तो आप मार सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको आईटेल A49 के अंदर में ये सेटिंग कैसा लगा फ्रेंड्स मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन घंटी को दबा दें। दोस्तों जब आप बेल आइकन घंटी को दबाएंगे फ्रेंड्स तो उसमें एक ऑल का ऑप्शन आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर दें, इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि मैं जब भी इस तरह का कोई भी वीडियो लाऊंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।